नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दी करंट अफेयर शो में, और मैं हूं आनंद कुमार। और आज के दी करंट अफेयर शो में हम एनालिसिस करने जा रहे हैं 2015 में पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के दौरान इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया गया था, और इसके गठन में मुख्य भूमिका निभाई थी भारत और फ्रांस ने। इस अलायंस के गठन के पीछे का मकसद था ग्लोबल एनवायरमेंट में कार्बन एमिशन को कम करना, इसके अलावा सोलर एनर्जी को प्रमोट करना। रिसेंट में इंटरनेशनल सोलर अलायंस चर्चा में है, क्योंकि इस अलायंस द्वारा पहली बार वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी सबमिट का आयोजन किया जाना है 8 सितंबर 2020 को, और इस सबमिट का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। तो ब्रीफ में एनालिसिस करेंगे आज के दी करंट अफेयर शो में। तो चलिए आज के दी करंट अफेयर शो की शुरुआत करते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस 8 सितंबर 2020 को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर पहले वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी सबमिट का आयोजन करने जा रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के प्रेसिडेंट और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर आरके सिंह के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है ऊर्जा को सस्ती बनाने के लिए चुनौतियों का समाधान करने हेतु दुनिया के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को एक साथ लाना है। बैठक में गठबंधन के सभी सदस्य देशों के मंत्री हिस्सा लेंगे। इसके अलावा सौर गठबंधन सौर ऊर्जा के बारे में एक पत्रिका भी शुरू करेगा। इसमें विश्व के लेखकों और सौर ऊर्जा के बारे में लेख प्रकाशित करने वाले लोगों को मदद मिलेगी। इसके अलावा एक सोलर बैंक गठित करने की भी योजना है वर्ल्ड बैंक के साथ में मिलकर, जिसमें $15 अरब तक का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। चलिए इसके बाद हम लोग जानते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि 2015 में जब पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता है, तो उसी वक्त इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो गठन है वो किया जाता है भारत और फ्रांस द्वारा मिलकर। प्रेजेंट टाइम पर अगर हम बात करें इस अलायंस के टोटल मेंबर कंट्रीज़ की, तो वो हैं 121। और ये 121 कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, तो वो हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आने वाले 121 ये कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ही क्यों? इसके पीछे का भी एक रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी आती हैं और बहुत लंबे समय तक रहती हैं, और सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए सूर्य की किरणें बहुत आवश्यक होती हैं। इसीलिए इस अलायंस के जो मेंबर होते हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो भी कंट्रीज़ हैं वही इसके मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम इस अलायंस के कुछ ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो शुरुआत में भी इस अलायंस के गठन के पीछे का ऑब्जेक्टिव मैं बता चुका हूँ, पूरे ग्लोबल एनवायरमेंट में कार्बन एमिशन को कम करना इसके पीछे का एक ऑब्जेक्टिव था, और सोलर एनर्जी यानी कि हेल्दी एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना, प्रोड्यूस करना इस अलायंस के गठन का ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके कुछ की फीचर्स की, तो इसमें सबसे पहला है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो यूनाइटेड नेशन से एक सेपरेट एजेंसी है, यानी कि यूनाइटेड नेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें, तो यह एक पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यह हेडक्वार्टर है आपका गुरुग्राम में स्थित, जिसे हम गुड़गांव के नाम से जानते थे, अब गुरुग्राम हो चुका है, वहां इसका हेडक्वार्टर है। और इसका पूरी तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है 2022 तक, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम कुछ और यहाँ पर सोलर पावर से रिलेटेड इंडिया का विज़न देखें, या इंडिया का सोलर पावर जनरेशन से रिलेटेड कुछ टारगेट देखें यानी कि लक्ष्य देखें, तो आप यहाँ पर 35 गीगावाट जो कि जुलाई 2020 तक इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है सोलर एनर्जी, 35 गीगावाट का मतलब है यहाँ पर 35,000 मेगावाट, और 2022 तक इंडिया का टारगेट है 100 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने का। तो इस तरह से इंडिया का टारगेट भी आप ध्यान में रखिएगा, और प्रेजेंट टाइम पर इंडिया द्वारा कितना सोलर एनर्जी प्रोड्यूस किया जा रहा है इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपके लिए भी एक प्रश्न है, इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कौन से राज्य में उद्घाटित किया गया है। तो इसका जवाब आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। और आज के दी करंट अफेयर्स शो में इतना ही। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।